हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम देखेंगे जो हम ये स्पाइसेस पढ़ रहे थे उनमें जो हमारा अगला है वो है जीरा। ठीक है, अगर हम इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम होगा क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, क्या होगा? क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, अगर इसके कुल की बात करें तो देखिए इसका कुल क्या होगा? एपिएसी। ये जो जीरा है ये किसका है? एपिएसी कुल का एक प्लांट है। देसी नाम, जो नॉर्मली बोलचाल का नाम है वो क्या है? सफेद जीरा, या फिर जिसको अपन नॉर्मली जीरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीरा एपिएसी कुल का पादप है, ऊपर बता चुके हैं, जिसके परिपक्व क्रीमोकार्प फल उपयोगी पादप भाग है। इसका जो फल है उसका प्रकार क्या है? क्रीमोकार्प। ठीक है, और ये ही हमारे लिए क्या होता है? यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। जो मसाले वो औषधि के रूप में काम आता है। ये नॉर्मली क्या है? मसालों के रूप में काम में लिया जाता है, या फिर इसके अलावा मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं इसके। उत्पत्ति और वितरण, अगर हम इसके उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो जीरा की उत्पत्ति जो है वो कहां से मानी गई है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से। ठीक है, इसको भारत, चीन, ईरान, रूस, जापान, टर्की में कृषित किया जाता है। भाई कहां कहां बोया जाता है? भारत में, ईरान में, चीन, रूस, जापान, टर्की आदि देशों में इनको बोया जाता है। भारत में कहां कहां मिलेगा? भारत में यूपी, पंजाब, गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु के आसपास क्या है? इनकी खेती की जाती है। अगर हम इसके वानस्पतिक लक्षणों की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है कि इसका जो प्लांट होता है वो कैसा होता है? छोटा, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, और शाखित शाख है, मतलब ब्रांचिंग होगी इसमें अच्छी खासी, और शाख प्रकार का है ये। पत्तियां अत्यधिक खंडित, पत्तियां जो होती है वो खंडित मतलब टुकड़ों में टूटी हुई। पुष्प छोटे, पुष्प कैसे होंगे? छोटे तथा संयुक्त छत्रक में विकसित होते हैं। संयुक्त छत्रक मतलब वही जैसा एक छत्रक पुष्पक्रम होता है उस प्रकार से कंपाउंड जो छत्रक होता है उस तरीके के होते हैं। ठीक है, पादप की लंबाई 1 से 3 फीट तक होती है। लंबाई कितनी होगी? 1 से 3 फीट, मतलब बताया कि छोटा शाख है तो 1 से 3 फीट लंबाई। इसका फल लंबा, ठीक है, इसका जो फल होता है वो कैसा होता है? जीरा का जो दाना होता है लंबा होता है, अंडाकार, अंडे जैसे शेप का होता है, सुगंधित मतलब उसमें एक तीखी स्मेल होती है, और हल्के भूरे रंग का होता ही है। फल भित्ति पर रोम होता है, इसकी जो फल भित्ति होती है उस पर क्या मिलेंगे? हमें रोम देखने को मिलते हैं। आगे हम अगर इसके उपयोगी भाग की बात करें तो देखिए क्रीमोकार्प फल जो होता है, इसका जो फल का प्रकार बताया क्रीमोकार्प, वो जो फल है वो क्या है? उपयोगी मसालों के रूप में यूज किया जाता है, स्पाइसेस के रूप में यूज किया जाता है। दो मेरिकार्प में विभक्त होता है, जो एक दाना होता है वो दो छोटे टुकड़ों से बना हुआ होता है, उन छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? मेरिकार्प। ठीक है, और पूरे एक दाने को क्या बोलते हैं? क्रीमोकार्प। ठीक है, फलों में वाष्पशील तेल के कारण तीव्र गंध तथा स्वाद तीखा कड़वा होता है। इसके जो फल होते हैं भाई, इनमें क्या होता है? एक जो जैसा कि हम सब में बता रहे हैं, इनमें किसी भी चीज में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? उसमें पाए गए तेल के कारण होती है। ठीक है, तो इसमें भी जो इसकी तीक्ष्ण गंध है, तीव्र गंध है, वो किसके कारण होती है? वाष्पशील तेल के कारण। और इसका स्वाद कैसा रहेगा? तीखा कड़वा। ठीक है, आगे देखिए, उपयोग देखेंगे। जीरा का उपयोग उत्तेजक व वातहर के रूप में तथा पेट दर्द के उपचार में किया जाता है। वातहर और उत्तेजक और पेट दर्द के उपचार में। फलों के आसवन से प्राप्त तेल इत्र उद्योग व पेय पदार्थों को सुगंधित करने में। तो इसके जो फलों के आसवन से जो हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, उसका उपयोग कहाँ करेंगे? इत्र में। ठीक है, परफ्यूम वगैरह में, और पेय पदार्थ जो पीने योग्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है। भुने हुए फलों के पाउडर को दही, छाछ, जलजीरा वगैरह आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, इसे मसाले के रूप में भाई मसाले के रूप में यूज किया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, आगे देखिए, जो अगला हमारा है वो है सौंफ। ठीक है, इसके बारे में अगर